ब्यूटीफुल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आजकल तो पता ही है आपको, बहुत ज्यादा बारिश वगैरह हो गया लगातार दो दिन से। यहाँ पे भी चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत बुरी हालत है। मतलब चंडीगढ़ क्या, हर जगह, हिमाचल में भी बहुत बुरी हालत है हर जगह। यहाँ पे भी मेरे इधर भी लिटरली दो दिन के बाद लाइट आई है, कोई लाइट नहीं थी यहाँ पे भी। बहुत लिटरली इतनी ज्यादा बुरी हालत थी ना यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। और आज है ये लाइट पूरे दो दिन के बाद, ना पीने का पानी था ना कुछ, भाई पूछो मत। और अभी मतलब रूम में ना खाने वगैरह के लिए भी मतलब सब्जी वगैरह नहीं है, तो फिर वो सब चीजें लानी है। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं बाहर जाने का, देखते हैं कैसे जाते हैं, क्योंकि बाहर लिटरली पूरी जगह पानी भरा हुआ है। बंदा व्हीकल तो ले जा नहीं सकता है, बहुत मतलब पता ही नहीं है कि रोड में खड्डे कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। साथ में आपको भी दिखाऊंगी कि बाहर का क्या हाल है यहाँ पे और क्या नहीं है। तो व्लॉग में बने रहना और एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, ओके। और अभी कपड़े वगैरह तो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर तो ये है कि मतलब बंदा जाएगा तो वो पानी में पूरा गिला गिला हो जाएगा। तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करके फिर निकलते हैं बाहर। अभी भी बाहर बारिश वगैरह ही लगी हुई है, मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल है ना। फर्स्ट टाइम ही मेरा ना फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि ऐसा भी होता है। लिटरली मैंने ना आज तक नहीं देखा कि ऐसा सब भी होता है कि हर जगह पानी भर जाता है। इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है ना बाहर निकलने की भी। पर चलो क्या करें, अब देखते हैं। सामान वगैरह तो लाना ही है, तो जाना तो पड़ेगा। तो देखते हैं रिस्क पे जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। सो लेट्स चेंज एंड देन गो आउट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मेरा भी तो आ रहा है जियो। ये क्या खड्डा है यहाँ पे? भाई साहब ऐसे उड़ जाते यहाँ पे काम ना गई। यहाँ की बना रही हूँ, व्लॉग के लिए कंटेंट मिल जाएगा मेरे को। तो अच्छा है ना, कुछ तो अपलोड करूंगी इसमें, बह गई मैं। ये कौन से वाले खड्डे हैं जो हमें नहीं पता, यहाँ का पानी का भाव क्यों ज्यादा है? उसे तो करना ही था। कैमरा मूवमेंट नहीं हो रही। दूध है, ऐसा ना कोई उठा के ले जाए। देखते हैं एयरलाइंस में जा के। ये आज मेरा फोन नहीं बचा, आज मैं नहीं बची, दोनों में से एक ही चीज होगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हॉस्टल में कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सिया भी डूबेगी, सिया का फोन साथ में डूबेगा। बारिश इतनी नहीं लग रही जिससे हम इससे डिले हो रहे हैं। टावर से
चिपक गया वही तो बाल। अब यहाँ का रास्ता पता है तेरे को? खुला तो होगा, बंदा जाएगा कैसे? अभी देखना क्यों जाना, देखो वहां पे हालत। देखते हैं देखते कैसे जा रहे हो। चुके यहाँ चलते हैं अब। लोग जीरो हो गए पर आर बैंक का हाँ, रातों में दर्द हो रही है यार। हैं ऐसे डाल दो ना, देखिए सब कुछ जान में डाल दो ये। हम भी डाल देते हैं क्या? मेरे कपड़े सुखा रही थी। हाँ हाँ कितने टाइम के बाद है? तू आलू भी तो जा रही थी क्या? अजीब चीज़ नहीं सुखा रही है, कमा जा रही है। और आलू टमाटर ये रहे, छोटे छोटे से कौन से कैसे केजी हैं वो भी तो पता। कैसे चल 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 स्पाइडरमैन।
A few moments later. This was the evening view. अभी मतलब काला काला हो रहा था मौसम. फिर हम गए थे छत में. ये था पूरा ओवरऑल ऊपर से व्यू, ऐसा दिख रहा था बारिश के बाद. सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. होप अब सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा. तो ये था ये सब जो भी आज हमने ना जो व्लॉग में देखा आपने, ये सब हमारे साथ हुआ. आज हमने ना एक्सपीरियंस किया खुद, बाहर जाके सामान वगैरह लिया, सब्जी वगैरह ली हमने, और बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें और भी खत्म थी तो वो सब हम लेने गए थे. बहुत मुश्किल से गए, बहुत ज्यादा रिस्की है आजकल. तो मैं आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके आप घर पे रहें, सेफ रहें, कहीं भी बाहर घूमने मत जाओ. प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और वैसे भी आपको पता है हाई अलर्ट कर रखा है. तो जितना हो सके सेफ रहो और कहीं भी घूमने मत जाओ. और स्पेशली जैसे जो लोग प्लान कर रहे हैं ना कि कुल्लू मनाली वगैरह कहीं बाहर हिमाचल जाना है घूमने, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट गो, स्टे एट होम. क्योंकि पहाड़ों में जाना भी इस टाइम इतना मुश्किल है ना. आप पहाड़ों में घूमने जा रहे हो ना, पहाड़ खुद ही घूम रहे हैं आजकल. तो प्लीज अपनी आपकी जान प्यारी है पहले, घूमना आप कभी भी बाद में भी घूम सकते हो. तो सो ट्राई टू स्टे एट होम. और प्लीज जितना हो सके अगर आपसे हो सकता है ना आप लोगों की हेल्प कर सको तो प्लीज ट्राई टू हेल्प देम, लोगों की हेल्प करो. और अपने आप प्लीज घर पे रहो, सेफ रहो थोड़ा टाइम के लिए. आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा. सो प्लीज ट्राई, डोंट गो एनीवेयर, स्टे एट होम. और दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. और थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ का भी ओवरव्यू दे दिया कि कैसा स्ट्रगल चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू, बाय. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय. अगरबत्ती बहुत लेकर